टुडे इज थर्सडे। आज क्या है? गुरुवार है। गुरुवार यानी साईं बाबा का दिन है। ओके, आज हम क्या करेंगे? आज कौन सा सब्जेक्ट लेके आई हूँ? हिंदी। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे। ओके, डेट कितनी है? 2/07/20 और डे इज थर्सडे। आज क्या है? कौन सा वार है? गुरुवार है। गुरुवार को साईं बाबा का दिन है ना। आज कौन सा विषय पढ़ेंगे? हिंदी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? हिंदी। क्या लिखा हमने? हिंदी। और कौन से क्लास में आ गया? सीनियर केजी में। कौन से क्लास में आ गया? सीनियर केजी में। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड कंप्लीट हो गया। और कौन सी क्लास में हो? सीनियर केजी। ठीक है, और आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? हिंदी। और आज कौन सा वार है? गुरुवार। गुरुवार 2 जुलाई। ओके, कौन सा डे है आज? गुरुवार। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने आपको हिंदी में वॉवल सिखाया था और आज भी मैं हिंदी में वर्णमाला ही सिखाऊंगी। आपने लास्ट वीडियो में वर्णमाला मैंने आपको होमवर्क दिया था कि अ से आह तक आप अच्छी तरह से लर्न कर लेना। आई होप आपने लर्न करने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी होगी। मैंने आपको कहा था घर से आप एक चार्ट पेपर लेके आना, उसको हम हैंग कर देंगे और डेली एवरीडे उसको चार्ट पेपर को पढ़ते जाएंगे। ओके, आज हम फिर से वही रिपीट करेंगे। जब तक आपको लर्न नहीं हो जाएगा, आपका हिंदी का बहुत सारा सिलेबस नहीं है, थोड़ा ही सिलेबस है, लेकिन हम उसको धीरे धीरे लर्न करेंगे। ओके, तो पहले हम सब्जेक्ट क्या लिखा हमने? हिंदी। ओके, हिंदी में हम वर्णमाला, सबसे पहले क्या आती है? वर्णमाला। वर्णमाला को हमने कितने भाग में कर देते हैं? स्वर और व्यंजन। हिंदी में सबसे विषय हिंदी है। हिंदी बहुत इजी लैंग्वेज है। जब आप सीनियर केजी में पढ़ते थे, जूनियर केजी में पढ़ते थे, तो आपके 3 सब्जेक्ट थे, इंग्लिश, मैथ्स, जीके। अब आप सीनियर केजी में आ गए, सीनियर का मतलब होते हैं बड़ी क्लास में आ गए, बड़ी क्लास में बड़े हो गए हैं आप लोग, तो आपका सब्जेक्ट भी बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आपके स्टैंडर्ड बढ़ते जाएंगे, आपके सब्जेक्ट भी बढ़ेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो बी सीरियस इन स्टडी। ओके, आज हम नया सब्जेक्ट कौन सा पढ़ेंगे? हिंदी पढ़ेंगे। तो हिंदी में सबसे पहले पढ़ेंगे वर्णमाला। तो वर्णमाला को कितने भाग में डिवाइड किया है? 2 भाग में। कितने भाग में? 2 भाग में। स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन 2 भाग में। 2 भाग में हमने बात किया उसको, वर्णमाला को, स्वर और व्यंजन। स्वर में क्या आता है हमारा? अ से आह। क्या आता है? अ से आह। स्वर में क्या आता है? अ से आह। व्यंजन में क्या आता है? अ से ज्ञात। व्यंजन में क्या आता है? क से ज्ञात। क से ज्ञात। फिर से स्टार्ट करती हूँ। अब आप सीनियर केजी में आ गए हैं। सीनियर केजी में हिंदी सब्जेक्ट एक और बढ़ गया है और हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी बहुत सरल होती है लिखने में भी और पढ़ने में भी। ओके, हिंदी की मैं आपको कविताएं भी सुनाऊंगी, हिंदी की मैं स्टोरी भी सुनाऊंगी। ओके, तो हिंदी में हम पहले वर्णमाला कर लेते हैं। तो वर्णमाला को हमने 2 भाग में डिवाइड किया है, स्वर और व्यंजन में। स्वर
क्या आता है, क से ज्ञा तक। ओके, पहले हम इसको पिक्चर्स के थ्रू लर्न करते हैं, उसके बाद हम उसको मैं बोर्ड पे आपको टू डबल लाइन में सिखाऊंगी कैसे लिखते भी हैं और कैसे लिख के लर्न करते हैं। ओके, सबसे पहले हम इसको स्वर सीखेंगे। स्वर आते हैं अ से आहता, उसको हम कैसे सीखेंगे, पिक्चर्स के थ्रू। ओके, मैं पिक्चर दिखाऊंगी, आप लोग लर्न करेंगे। ओके, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आप सभी लोग ऐसा चार्ट पेपर खरीद लेंगे, स्टेशनरी की दुकान में ऐसा चार्ट पेपर मिलता है, उसको लेके आप वॉल पे हैंग करेंगे और एवरीडे फिंगर रख के उसको लर्न करेंगे। ओके, हिंदी में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे, वर्णमाला। वर्णमाला में क्या आता है, अ से आह तक। वर्णमाला में क्या लर्न करेंगे, अ से आह तक। तो पहले हम अ से याद करेंगे, तो ये इसको हम बोलते हैं छोटा आ। क्या बोलते हैं, छोटा, जिसमें आ का डंडा नहीं होता उसको हम बोलते हैं छोटा आ। तो छोटे आ से अनार, छोटे आ से अनार। अनार किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। अनार किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। बड़े आ से आम, बड़े आ से आम। छोटी से इमली, छोटी से इमली। बड़ी से ईख, बड़ी से ईख। छोटे आ से अनार, छोटे आ से अनार। बड़े आ से आम, बड़े आ से आम। छोटी से इमली, छोटी से इमली। बड़ी से ईख, बड़ी से ईख। छोटे आ से अनार, अनार आप खाते हो ना घर में, अनार को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोमीग्रेनेट। क्या बोलते हैं, पोमीग्रेनेट। और अनार किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। अनार किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। ओके, और गुजराती में इसको क्या बोलते हैं, दाड़म कहते हैं। इसका जूस बहुत ही फायदेमंद होता है, आप सब छोटे छोटे बच्चों को भी फ्रूट ज्यादा खाने चाहिए। आप लोग रोटी सब्जी कम खाते हैं तो फ्रूट्स ज्यादा खाइएगा, हेल्दी और स्ट्रांग होने के कारण। जितना ज्यादा आप जूस पियेंगे, फ्रूट पियेंगे, आपका ब्रेन भी स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रांग होगा तो आपको जल्दी जल्दी इंग्लिश, मैथ, जीके सब सब्जेक्ट अच्छी तरह लर्न हो जाएंगे। तो ये हिंदी में जो वर्णमाला आज से आहा तक मैं सिखाऊंगी वो भी ओरली 20 मार्क्स की आएगी। ओके, आपको मैं कोई भी लेटर बोलूंगी ये कौन सा लेटर है तो आपको बताना होगा, बड़ी से ईक है। ओके, तो आप अच्छी तरह लर्न बाय हार्ट करेंगे तो ओरल में भी आप 20 में से 20 आ जाएंगे। ओके, बड़े आ से आम, बड़े आ से आम। आम किस रंग का होता है, पीले रंग का होता है। अभी आम का सीजन चल रहा है ना, आप लोग सब आम का रस पीते हैं, मैंगो रस, मैंगो जूस पीते हैं ना, मीठा मीठा होता है। तो बड़े आ से आम, ऐसे इसमें आ का डंडा नहीं है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, छोटा। क्या बोलते हैं, छोटा। छोटे आ से अनार, छोटे आ से अनार। बड़े आ से आम, बड़े आ से आम। छोटी से इमली, छोटी से इमली। बड़ी से ईख, बड़ी से ईख। छोटे उसे उल्लू, छोटे उसे उल्लू। बड़े उसे ऊन, बड़े उसे ऊन। री से ऋषि, री से ऋषि। फिर आगे छोटे आ से अनार, छोटे आ से अनार। बड़े आ से आम, बड़े आ से आम। छोटी से इमली, इमली भी खट्टी मीठी होती ना, चूस जब हम इमली को खाते तो खट्टी खट्टी मीठी मीठी लगती है, तो छोटी से इमली, छोटी से इमली। बड़ी से ईख, बड़ी से ईख। छोटे उसे उल्लू, छोटे उसे उल्लू। बड़े उसे ऊन, बड़े उसे ऊन। री से ऋषि, री से ऋषि। ए से एड़ी, ए से एड़ी। ऐसे ऐना,
आई से एनआर, ओ से ओखली, ओ से ओखली, औ से औरत, औ से औरत, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर, आहा खाली, आहा खाली। ओके, ये हमारे क्या है, वर्णमाला में स्वर आते हैं, स्वर आते हैं आ से हा तक। फिर से यहाँ से पढ़िए, आपके पैर में नीचे एड़ी होती है ना, आप सब देखते हैं तो उसको देखना, पैर के नीचे पर ऐसे हम क्या बोलते हैं उसको, एड़ी, ऐसे एड़ी, ऐसे एना। सब लोग बड़े लोग चश्मा लगा के पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, तो ऐसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, एना, क्या कहते हैं, एना। ओ से ओखली, मम्मी अदरक वगैरह मसाला कूटती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, सबके घर में होती है ये, उसको हम क्या बोलेंगे, ओ से ओखली, ओ से ओखली, औ से औरत, औ से औरत, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर, आहा खाली, आहा खाली, आहा खाली। ओके, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं ताकि आपको लर्न बाय हार्ट हो जाएगा। छोटे आ से अनार, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, छोटी से इमली, बड़ी से ईक, बड़ी से ईक, छोटे उसे उल्लू, छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे ऊन, बड़े उसे ऊन, री से ऋषि, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से एड़ी, ऐसे ऐना, ऐसे ऐना, ओ से ओखली, ओ से ओखली, औ से औरत, औ से औरत, अंग से अंगूर, अंगूर किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है, अंगूर किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है, ठीक है। अंगूर ये भी सीजन चल रहा है अंगूर का, आप लोग सब अंगूर खाते हो ना, सब बच्चे लंच बॉक्स में अंगूर, फ्रूट्स में अंगूर और दाड़म बहुत ज्यादा लाते हैं ना, अंग से अंगूर, अंगूर सब बच्चों का फेवरेट होता है ना, अंग से अंगूर, आहा खाली, आहा खाली। ओके, ये हमारे क्या है, वर्णमाला में स्वर है, वर्णमाला में क्या है, स्वर है। तो हम इसको इस पिक्चर के थ्रू अच्छी तरह लर्न बाय हार्ट करेंगे। फर्स्ट टर्म में आपको हिंदी में ओरली भी आएगा और रिटन भी आएगा, तो मैं आपको वर्कशीट में जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ आपको अभी ओरली करना है, जब ओरली आपको लर्न बाय हार्ट हो जाएगा तो हम उसको हम रिटन में भी करेंगे। ओके, तो ये आज हम आ से आहा तक ही सीखेंगे, वन मंथ तक हम आ से आहा तक सीखेंगे, वन मंथ के बाद हम क ख ग घ व्यंजन शुरू करेंगे। ओके, अब मैं ब्लैक बोर्ड में दिखाती हूँ कैसे करते हैं। ओके, हिंदी को हम डबल लाइन लिखेंगे। सबसे पहले हिंदी को जब हम लिखते हैं तो ऊपर सबसे पहले उसको क्या करते हैं, स्लिपिंग लाइन करते हैं, क्या करते हैं, हम स्लिपिंग लाइन करते हैं। स्लिपिंग लाइन क्या करेंगे, छोटे आ से अनार, क्या लिखेंगे, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईक, बड़ी से ईक, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से
उंगली बड़ी से एक, री से ऐसे पहले स्लीपिंग लाइन करेंगे, री से ऋषि, री से ऋषि, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से एड़ी, ऐ से ऐना, ऐ से ऐना, ऐ से ऐना, ओ से ओखली, ओ से ओखली, ओ से ओखली, औ से औरा, औ से औरा, औ से औरा, औ से औरा। फिर से पढ़ेंगे, छोटे आ से अनार, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटे ऊ से, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन। मिसिंग हो गया छोटा ऊ बड़ा ऊ। फिर से अगेन, ओके, बार बार रिपीट कर रही है, आपको भी लर्न हो जाएगा, मुझे भी लर्न हो जाएगा, कभी कभी मुझसे भी मिसिंग हो जाते हैं, ओके। फिर से बोल गए, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐना, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर, अम से अंगूर, आहा खाली, आहा खाली, आहा खाली, ओके। फिर से नाउ स्टार्ट, छोटे से अनार, अब हम स्वर में गाएंगे, ओके। छोटे से अनार, बड़े से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटे उसे उल्लू, उल्लू कैसा होता है, ऐसा होता है ना, छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे ऊन, री से ऋषि, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐना, ओ से ओखली, ओ से ओखली, औ से औरत, औ से औरत, अम से अंगूर, अम से अंगूर, आहा खाली, आहा खाली, छोटे से अनार, बड़े से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे ऊन, री से ऋषि, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐना, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर, आहा खाली, आहा खाली। ये कौन से कहलाएंगे हिंदी में, स्वर, क्या कहलाते हैं हिंदी में, स्वर। तो ये हमको लर्न बाय हार्ट करने हैं, और इसको मैंने पिक्चर्स के थ्रू भी आपको दिया है, जैसे मैंने आपको पिक्चर्स बनाई ऐसे करके और डैश कर दिया है कि आप पहचानो ये कौन सा वर्ण है या कौन सा लेटर है। तो आप जैसे पिक्चर देखोगे आप क्या बोलोगे, बड़े आ से आम है, ये कौन सी पिक्चर दिखाई दे रही है, बड़े आ से आम। तो आप तुरंत मुझे आइडेंटिफाई करके बता दोगे कि ये बड़े आ से, बड़े आ से आम है, ओके। पिक्चर्स देख के भी आपको पर बताना है, ओरली भी बताना है पिक्चर देख के, और रिटन में भी आपको पिक्चर दूंगी उसको देख के आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको अ से आ तक लर्न बाय हार्ट होना चाहिए, कभी कभी मिसिंग हो जाते हैं, मिसिंग नहीं करने का है, और ये भी अ से आ तक मिसिंग में भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं। तो हमको यहाँ से यहाँ तक जैसे हम 1 to 10 नंबर्स लर्न बाय हार्ट करते हैं, कोई भी मिसिंग नहीं करते, ऐसे लर्न बाय हार्ट अ से आ तक करेंगे तो मैं आपको एग्जाम में या वर्कशीट में मिसिंग करके भी दूंगी। तो आपको अगर आता होगा तो आ के बाद क्या आता है, आ बड़ा, ई के बाद क्या आता है, बड़ी, तो आप फटाफट उसको कंप्लीट करते जाएंगे, ओके। इससे सबसे पहले हम अ से आ तक लर्न बाय हार्ट करेंगे, फिर हम पिक्चर्स दूंगी तो पिक्चर्स को देख के उसको आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे ये कौन किस वर्ड की पिक्चर है, ओके। एक और करके फिर मैं पिक्चर्स बताती हूँ, ओके।
छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से। जब मैं वीडियो में ऐसे बोलती जाऊँ तो आप जब वीडियो देखो मेरा तो आप भी मुझसे ओरली बोलते जाओ, तो आप मेरे साथ, मुझे लगेगा आप मेरे साथ लर्न कर रहे हो। ओके ओके, नाउ स्टार्ट। छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईम, छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे ऊर, री से ऋषि, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐना, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा खाली, आहा खाली। ओके, टुडेज होमवर्क आपको वही हिंदी में वर्णमाला लर्न बाय हार्ट करनी है। हमने पिछली बार हमने हिंदी की कविता कौन सी सुनाई थी, मछली जल की रानी है, तो हम फिर से वही गाएंगे। जाते जाते एक छोटी सी कविता भी गा के जाएंगे, ठीक है? करिए ऐसे, दोनों हाथ को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखिए। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ओके, इस कविता को भी आपने जूनियर के जी में हिंदी की बहुत सारी याद की थी। ओके, आप फिर से लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए, हम हिंदी में भी लर्न करेंगे और इंग्लिश में भी रैम्स करेंगे। ओके, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।